मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के गांव देवीपुर निवासी ग्रामीणों ने एकत्रित होकर सिविल लाइन स्थित डीआईजी कार्यालय पहुंचकर डीआईजी कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र दर्ज कराया है और गांव की एक महिला और उसके साथियों पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। इस मामले में जानकारी देते हुए ग्रामीण महिला ओमवती कांति ने बताया कि करीब एक दर्जन से अधिक ग्रामीणों की जमीन पर महिला और उसके साथियों द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। दोनों महिलाओं ने बताया कि विवादित जमीन का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट से स्टे आने के बाद भी आरोपी महिला कोर्ट के आदेश को अनदेखा कर जमीन पर कब्जा कर निर्माण करना चाहती है, जिसको लेकर सभी ग्रामीणों ने डीआईजी कार्यालय पहुंचकर डीआईजी को प्रार्थना पत्र देते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है तुम्हारा? कहाँ रहती हो? क्या मामला हुआ है जो डीआईजी साहब के यहाँ आई है, क्या शिकायत कर रही है? जो शिकायत ये है, टीना हमारी जमीन पे मतलब कब्जा कर रही है, जमीन भरा डाल रही है। कौन? बीना। कहाँ रहती है ये? ये भी देवापुर में रहती है। आपकी कितनी जमीन है? हमारी जमीन तो अब कागज में पता होगी, हम इतने पढ़े लिखे तो हाँ 20 बीघा। सभी लोगों की जमीन पे कब्जा कर रही है वो? हाँ, सभी लोगों की। कितने लोग होंगे लगभग? लोग तो हमारे हैं ही, देखो जी परिवार है पूरा। आज कितने लोग आए हैं? आज तो लगभग कितने लोग होंगे? 20 जने। बीना कौन है? बीना बीना जाठ अपनी। क्या चाहते हैं आप लोग? वो चाहते हैं हम अपनी जमीन लेना चाहते हैं। ठीक है। नाम है तुम्हारा? मेरा नाम होमवती है। होमवती कहाँ रहती हो तुम? देवपुर। देवापुर में या डीआईजी कार्यालय आई थी, क्यों आई थी? आए देखो मतलब जाटम जो है जाटमनी। क्या नाम है उनका? बीना नाम है उसका। और भराव डलवा रही है हमारी जमीन पे। क्यों भराव डलवा रही है वो? हमारी है वो जबरदस्ती भराव डलवा रही है, कब्जा करना चाह रही है। वो भी देवापुर की रहने वाली है। क्या चाहते हैं आप इसमें? हम जो चाहते हैं जितनी जमीन हमारी है 20 बीघा, इतनी जमीन हमें पूरी चाहिए हमें।